जो तू लाने का काम ना करे तेरा के बिगड़ जा। मैं तो तेरा लाने ना खाली, कोई भी काम आया का मजे उलाने दे जा। और तेरा बाप आके मजे कह रहे पर ना तू स्कूल में जाता, तीसरे दिन तेरा होते उलाना आवे। क्यों तने सारा परिवार परेशान कर रखा? अरे इब सुन नहीं रहा क्या कह रहे? हम महात्मा से बना बैठा जाना कुछ नहीं जानता। क्यों तो हमारा जीना आराम कर दिया है? हमें चैन की दो रोटी खान देगा कि नहीं? और दा दुनिया में बालक आवे किसी के उलाने, उसे देख ले कप्तान के छोरे को आवे कदी उसका उलाना, वो तेरा ही साथी है। अच्छा इसे खुआरिया बैठा कर प्राम चे यो हल चला का आना यू बड़ा काम कर का आया से नाश खेत पैदा हो गया घर में। हम काम करी में लिखर भी नहीं सकते और तू तू इसे जिमारी दिखे। मेरे तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तू जाने तेरी औलाद, मुझे और बहुत काम करने हैं। इब कहाँ चला? दो घड़ी बात सुन ले मारी, डकैत बनेगा मरा बुढ़ापा खराब करेगा के? तो दुनिया के सामान ठाता फिर है के कभी मारे घर में कौन सी चीज ना? चाचा तू माड़ी माड़ी बातों को बड़ा चढ़ा के मत बताए करे। किसकी भैंस खोल ली मन ने? भैंस या भैंस तो कम है, तू लाला का नाश कर या? वो रोता आया था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था तेरे बारे में, शर्म नहीं आई? तने देखा लाला का सामान ठाता मैं? लाला का तो जिस दिन दो लग जाएंगे ठीक हो जाओगा। कुछ भी न खून पी लिया हमारा है घर में के बड़े छोटे हैं कोई बारा पट से घर जा। सारी रात बंदे रहना पाया और जो किसी ने खोल दिया तो उसकी खाल तार लुआ मैं और तड़की तड़की मुझे घेर में पाना चाहिए। सुबह हो जाएगा ठीक। खूब पता था अपने बाप के गुस्से का, ये पड़गी शांति, ये बैठ जगह नहीं चलवाया। तीनों ने तो बांध दिया, एक बांध के दिखा दियो कोई सा, ये बुला ले चल। हाँ दाना है तू, खोलती हो तो खोल दे, ज्यादा भाषण तो देवे ना। मजे ना पिटना तेरे बाप पे, मैं तो घेर में जा रही सारनी करन। अरे खोल जा नहीं तो देख लिए फिर। सुनी ना आया उसे, जोर से बोल तो जैसे सुनगी। तू खोल दे, मेरी गेल जुड़वा दे मुकदमा। मगा खोल दे, मैं तो खोल लूंगा। हाल कैसा है जनाब? अरे तेरी बना बना जोर दिखा रहा, तुझे खोल दे तू एक बार फिर देख ले। खोल दू इतना बेवकूफ मान रहा मुझे? अच्छा बला सा जोड़ा बुग्गी में, ऐसे में तो तेरा एक फोटो खींच जाने बहुत बढ़िया लगेगा। फोटो? फोटो तो मैं तेरे उस फूफा काली चरण का खींचूंगा, वही तो गया लंग लगा के। अकल तो तुझे है ना बात करने की? जी भी तो बंदा पड़ा है, ईब भी खोलने की बात ना कर। तो फिर खोलती क्यों ना है? ईब आया ना राह पर। जल्दी खोल। खोल तो मैं दूंगी पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। के बात? बस एक बार नू कह दे अक मैं तुझे अच्छी लगूं। बस नू कह दूं? हाँ। टाल मार खोलने की, मुझे ना खोलना। एक बार फिर सोच ले, कोई ना खोलने का है। टाल मार अपना काम। लली आ गई तू, मैं तो कितनी बार तक फोटो ढूंढ रहा था, तेरे नहीं तो धरे थे। अच्छा कहाँ धर दिए? अब ना मिले तो फिर खिंचवाने पड़ेंगे, फिर पैसे लगेंगे। अब जब तक खिंचवा लूंगा फिर पा जाएंगे, फिर पा जाएंगे। मुझे ना पता कहाँ धरे, मैंने ना देखे, बक्से में ना मिले क्या? नू दुखी होना पड़े बिना वीर बनने के। अरे तेरे रश्मि की फूफी रही, एक सुई भी तो ना खुई, वो बिचारी स्वर्ग में हम नरक में। ऐसा संभाल के धरती हर एक चीज को, मांग तू इलाके हाथ पे धर देते।
अरे तो हर एक चीज को ढूंढते ढूंढते बावड़े हो जा, अच्छा मिलती हो तो। इस दूध को मनोज को दिया और उसकी रस्सी खोलिया। अजी तुमने बड़ी चिंता करी, उसने दूध भी पी लिया, उसकी रस्सी भी खुल गई। रस्सी खुल गई? गेट भेड़ का फटाफट देना। गेट तो मैंने भेड़ दिए। क्या करें, इसका कुछ समझ में बात नहीं आती। सारे दिन गांव में उल्टे सुलटे काम करे, कुछ कहवे तो पाड़ने को आवे। ब्याह हो जाएगा, सिर पे जिम्मेवारी आ जाएगी, अपने आप काम करने लगेगा। अरे के ऐसी तैसी करने लगेगा, सूर्य ने सारे कुंडबे की नाक में दम कर रखे। अरे अरे किसी को कुछ दिखाई देवे के? अरे आज तो मैं मम्मू भाई भैंस नवारा आवाया। अरे मैं यूं सोचा, हम जिंदगी में नहाए हो या ना नहाए हो, भैंस तो नुवा लू। अरे भैंस के तू अपने आप नुवारा, भैंस तो तेरे पे वो रात वाली गोड़ा लच्छी नुवारी। खैर एक बात है भाई, मम्मू भैंस नुवावे बहुत मुड़ मुड़ के। क्यों भाई, भैंस दूध ना देती? दूध और हल्दी चोट में बहुत काम आवे। अरे सुन, मैं भैंस को नुवा के उसका तेल भी लगाऊंगा। अच्छा रे, खैर भाई एक बात, तेल तो रात लच्छी का भी लग रहा था। देख लू एक एक को। हाय, इस गुस्से को कभी नाश्ते पे भी उतार दिया कर। आज स्कूल ना गया, मैं भरवाऊं पानी। तेरा कोई काम ना है? मैं तो क्यों नाराज हो रहा है, मैंने तो खोल दिया था। मैंने कह ही तेरे से खोलने की, जाना वो भेड़ का पुप्पा आ जाएगा। लखावे ऐसे जब बलद के चश्मे लग रहे हो। किसी से कुछ भी कह ले, पर मेरे से नाराज मत हुआ कर। के कुसामन से करवा रहा है? मुझे जरूरत ना है ऐसी कुसामन से। दिखे देख, इससे बढ़िया ना मिलने वाली तुझे। हाँ हाँ, यही आई ये चांद पे तो उतर के देख लूंगी तुझे भी, तू कौन से उसने की परिव्याह कलाऊगा। देख लिए, सारी दुनिया देखती रह जाएगी जब लाऊंगा। रामकरण। यस सर। चंद्रभान। यस सर। मामराज। यस सर। जयगोपाल। यस सर। अच्छा शबनम, तू तो जमालपुरी के लड़के है ना, समोली से? ठीक है। छोरी तो गदर है पर सीट गलत पकड़ गई। अच्छा। कमरू देख तो क्या गदर मारा है। जसवंत ये मेरे चाचा की छोरी है। चाचा की? अच्छा सुनो, सब अपनी अपनी किताब ले गए, वहां पेड़ के नीचे आ जाओ।
शबनम तू? अरे हेमलता तू? तू कहाँ बैठी थी? मैं तो वहाँ बैठी थी पर तू कहाँ बैठ गई? या तो बड़े बदतमीज लड़के मनोज की सीट है, तुम्हारे दो राजा। अरे मैं तो ना बैठा था, कोई अपने दो रे। अपनी माँ बाण दो राजा का बैठ जा। देख ले हर वक्त अंगारे बरसावे बस। तू रहकर ना तो फूक जाएगा। अरे हम तो कल को तैयार बैठे हैं। तो फूक जाओ फिर हमारे नाम क्यों लगो? अरे नाम तो किसी के लगा देता हूँ मैं, फूक तो दो। जब बजा गया आज तक इंजीनी। कैसे कैसे अजीबो गरीब नमूने इस स्कूल में, ये तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़े रह गए। छोरियों के पीछे तो इस स्कूल के लड़के बावलों की तरह पड़े रहे हैं। सारी क्लास ही ऐसी है क्या? सारी क्लास, पूरा स्कूल ही ऐसा है। एक ठीक है तो वो किसी से सीधे मुंह बात ना करता, लड़कियों से बात ना करता। लड़कियों से तो ऐसा चिढ़ा जैसे उसे खा जाएंगे। मैं अपने मामा के यहाँ पढ़ू थी, वहाँ का माहौल ठीक था, और तो और स्कूल में जाने की नियत भी बस लगी हुई थी। यहाँ रोज पैदल जाना पड़ा है और यहाँ तो सवारी का भी कोई साधन ना है। क्या बच्चे छोरियो चल। भैया जी रुकिए रुकिए, भैया आपकी दाती गिर गई। दाती रोकियो पुग्गी, थामियो दाती गिर गई। अरे कित जाओगी तुम? यही जाऊंगे समोली। आ जाओ तो बैठ जाओ, वहीं उतर जाइयो। आराम तो बैठियो फिर चोट लगवा लो। बैठ गई चलो चल। दोनों समोल ले जाओगी? हाँ भैया जी। कौन सी क्लास में पढ़ा करो तुम? इंटर में। चल बस भैया जी यही रख दो, हमारा काम आ गया। अच्छा देखियो ये लंबे वाली छोरी कितनी सोनी है, ऐसी मारे मनोज कहा जाता हो। मनोज के पहली बात तो मनोज के ऐसी आवे नहीं, और जो आ गई ना उसके लक्षणों को देख के 4 दिन में भग जाएगी। तेरा ससुरा सारे दिन फिर हो जाए पीढ़ी पिस्ता। चल तो मैं कह रहा था अहिंसा परमो धर्म है, यतो धर्मस ततो जय, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। जहां धर्म है वही जय है। तू क्यों लड़ाया? जा भाग जा यहां से, तेरा तो नाम कट गया। एक महीने में आया, आज सरा मान रखा है स्कूल को। जा अपने बाप को ले बुला के, नहीं तो यहां आ मत जाइए। अजय गुरु जी अब क्या चढ़ा लो नाम, अब ना करने का एक दिन की भी छुट्टी। मनोज मैं तुझे कितने बार समझा चुका। यू है क्या मनोज? हाँ यू ही तो है। अजी चढ़ा भी लो जब मैं कह रहा इब ना करने का ऐसा। जा राज्य में चला जा, क्यों मुझे डंडा खाने मजबूर करे। जा ओए सीधे बैठो या भेज दूसरी गैल तुम्हें भी। अजी उसकी गैल तुम रोज ही वे, हम इनकी गैल बैठा देने आगे बैठी। अरे थरी डोर कट्ठे हो रहे स्कूल में, बिना डंडे के ना सुधरो तुम। इधर आओ जी। हम तो पढ़ान के मारो कह रहे थे कि इनकी गैल बैठा दो हमें आगे। मुर्गा
मुर्गा बनाओ सारे, तो मैं आज आज भी बनाकर छोड़ दूंगा। अजय मास्टर जी कह तो रहे थे हम अगर मुर्गा बनो और आदमी कुकर बन जाएंगे हम। तुम मुर्गा बनो पहले, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अजी गुरु जी मुर्गा तो तुम मजा बना दियो और इनकी बनाई है मुर्गी। जुबान चला रहे हैं, मुर्गा बनो। मास्टर जी आपको प्रिंसिपल साहब दफ्तर में बुला रहे हैं। और ठीक है, जब तक मैं ना हूं ऐसे मुर्गा बने रहना। रे स्कूल में मुर्गे आ गए, किसी को दाना घेरना हो तो घेर लो। थारे घरू भी कोई दाना हो ना तो बता दिए भाई, हम तो थारे घरू जाकर चुग लेंगे। गाने बोल रहे हो, तोड़ दूंगा तीनों को, यहीं धर का यहीं पड़ पाओगे। अच्छा, अरे वो ना हमारा शेर, उसके आगे ना खोलने का जुबान गुरु पद दिए थे भी। अरे क्यों यार, शास्त्री कहाँ है? अरे शास्त्री को फूंक पर यहाँ मुर्गा बनवा गया मैं। कुछ होया भी, अरे हुआ के वो शास्त्री है ना। अरे वो अजी गुरु जी यू है मेरा बाप। क्या मतलब? मेरे पिताजी हैं जी। तुम्हारा ये लड़का इतना नालायक है, इतना नालायक है, मैं इसे स्कूल में बिल्कुल नहीं रख सकता। स्कूल में तो आके जो थारा भी टाइम खो रहा और अपना भी टाइम खो रहा। मेरे मानो तुम इसे तो कोई काम धंधा सिखा दो या खेती बाड़ी में लगा दो इसे। ठीक कह रहे हो मास्टर जी, इस तरह पूरा काम दुखी है और इसका बाप दुखी। क्या मेरा मतलब है, मैं भी पूरा दुखिया लिया इस तरह, तो अब तो तुम इसका नाम चढ़ा दो। श्रीमान जी इसकी इतनी शिकायत है, इतनी शिकायत है, मैं इसका नाम बिल्कुल नहीं चढ़ा सकता। हाँ प्रिंसिपल साहब से मिल लो, चलो देख ले। अब तुम सब अंदर कमरे में जाओ, आप मेरे साथ आओ जी। चलो चलो आइए आप। अरे शास्त्री जी क्या समस्या है? सर ये है वो लड़का मनोज, इतना नालायक लड़का है सर, कभी स्कूल टाइम पे नहीं आना, कोई काम टाइम पे नहीं करना। क्यों भाई सीधे खड़े हो? पहले कॉलर ठीक करो, ये क्या है? इन्हीं हरकतों की वजह से इसका नाम कट गया सर, और आप इनके पिताजी नाम चढ़वाने के लिए आए सर। पहले से लापरवाही दिखाई दे रहे तुम तो, तुम्हारी ड्रेस प्रॉपर नहीं, ठीक नहीं, इस तरह से चलेगा कॉलेज? सही समय पर आया करो, ठीक है? समय पर आओगे? आप भाई आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी, मैं ही पिता जी हूँ। अच्छा आपको पता चला था कि इनका नाम कट गया? हाँ जी मुझे पता लगा था। अच्छा हम भी बहुत परेशान हैं जी इनसे। परेशान आपस में कोई हरकत कर दी तो इसे लड़ो तय तोड़ दियो। ठीक है इसकी पिटाई तो हम करेंगे ही बाद में। क्यों शास्त्री जी ने चांस दिया था? ठीक है सर रख लो सर। ठीक है एक चांस और देते हैं हम तुम्हें, इसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर नहीं रखे जाओगे।